दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे। एक बच्चा है हमारे साथ में, बच्चे का नाम है आरुष। इसको दोनों पाओं में क्लब फुट था, बायलेटरल क्लब फुट था। इस बच्चे का इलाज हमने शुरू किया था 13 दिन की लाइफ से, 13 डे के जब ताजा, जब 13 दिन का था बच्चा, जब हमारे पास में आया था बायलेटरल क्लब फुट लेके, और हमने इसको प्लास्टर लगाए थे ऑपरेशन से पहले। इसको हमने प्लास्टर लगाए, उसके बाद में छोटा सा सर्जरी हुआ था, जिसे हम टेनोटमी बोलते हैं। अब बच्चा पूरी तरीके से कम्प्लीटली हो गए हैं। इस वीडियो को बनाने का हमारा मेन पर्पज ये है, आप लोगों को ये मैसेज देना कि क्लब फुट पूरी तरीके से ठीक हो जाता है। मेरे पास में कई पेरेंट्स आते हैं बहुत नेगेटिव थॉट्स लेके, जब बच्चा माँ के पेट में होता है तो जैसे आजकल अल्ट्रासाउंड से डायग्नोसिस हो जाता है कि बच्चे को क्लब फुट है, तो कई बार पेरेंट्स के अंदर इतने नेगेटिव थॉट्स आते हैं कि देवर इवन थिंकिंग अबाउट द अबॉर्शन। सो पहले ये चीज़ सोचने से पहले, इतना नेगेटिव थॉट्स देने से पहले, हमें ये वीडियो जरूर देख लेनी चाहिए। ये बताने का पर्पस है मेरा कि क्लब फुट पूरी तरह से ठीक आ जाता है, और पेरेंट्स आपको खुद बताएंगे उनका कैसा सफर रहा, कितने प्लास्टर्स लगे, क्या टेनोटमी हुई, उसके बाद में क्या ब्रेसेस पहने हैं बच्चे ने, अब बच्चा कैसे चलता है, खेलता खेलता है, कूदता है, क्या करता है। और मैं 6 मंथ प्रेग्नेंट थी जब मेरा लेवल 2 हुआ, और मुझे पता लगा कि बच्चा क्लब फुट है। तो मेरी गाइने ने मुझे ये सजेस्ट किया कि ऐसे बच्चे 50% ठीक होते, 50% नहीं होते, और ये मेरा फर्स्ट चाइल्ड है। और उन्होंने बोला कि आपकी इच्छा है, आप कंटिन्यू करना चाहते हो ऐसे बच्चे के साथ या नहीं। तो उस टाइम मुझे कुछ समझ नहीं आया, उन्होंने मुझे अबॉर्शन का भी ऑप्शन दिया कि आप अबॉर्ट करा सकते हो, बट फर्स्ट बेबी है तो मैं कैसे रिस्क ले सकती हूँ। तो हमने काफी सर्च किया, और काफी सर्च करने के बाद मुझे डॉक्टर का पता लगा, और डॉक्टर के पास मेरा बेटा 13 डे का था जब मैं फर्स्ट टाइम आई। और सबसे पहले मुझे डॉक्टर ने एक चीज बोली कि ये किसी कमी की वजह से नहीं होता। कई लोग आपको बोलेंगे ग्रहण की कमी है, ग्रहण की वजह से, पानी की कमी है, किसी कमी से नहीं होता, ये कोई रीजन नहीं है इसका, बट हो जाता है ये। तो 13 डे का था तब मुझे फर्स्ट टाइम मेरे बेटे को प्लास्टर लगा, और डॉक्टर ने मुझे ये बोला कि मैं जैसा कहता हूँ आप करो, मैं आपके बच्चे को पैरों पर खड़ा करूंगा। और मेरे लिए वो डॉक्टर भगवान भगवान है बिल्कुल, क्योंकि उन्होंने मेरे बच्चे को मेरे पैरों पे, उसके पैरों पे खड़ा कर दिया है। पहले इसको 1 वीक के प्लास्टर्स लगे थे, और 5 प्लास्टर होने के बाद इसकी एक छोटी सी सर्जरी हुई थी, उसके बाद इसे 2 प्लास्टर्स और हुए, और काफी पैरों में इसका इम्प्रूवमेंट मैं डे बाय डे देखती गई जब प्लास्टर्स इसके होते चले गए। और उसके बाद अब बहुत डिफिकल्ट जर्नी थी, बट इम्पॉसिबल नहीं था। तो अब मेरे बेटे को शूज का प्रोसेस है जो कंटिन्यू करना है, और वो मैं इसको रेगुलरली पहनाती हूँ, और मेरा बेटा बिल्कुल ठीक है। कोई इसको देखकर ये नहीं कह सकता कि इसे कोई प्रॉब्लम थी और इसके पैरों में कोई डिफेक्ट था। जो भी देखता है वो कहता है हमें तो पता भी नहीं था कि बेटे में कोई आपके प्रॉब्लम थी। तो अगर आप ये सोचो कि हाँ अबॉर्ट करा ले हम कुछ, तो ऐसा कुछ नहीं है, ट्रीटमेंट है, पर कोशिश करिए, इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं है। देखिए, मेन 3 बातों को ध्यान दूंगा, 3 बातें इन्होंने बोल दी, नथिंग इज इम्पॉसिबल। इम्पॉसिबल टर्म जो होती है वो खुद अपने अंदर कहती है कि आई एम पॉसिबल। सो क्लब फुट जे में इम्पॉसिबल जैसा कोई टर्म नहीं है, बच्चा पूरी तरह से ठीक हो जाता है। दूसरी बात, जैसे जो पेरेंट्स हैं उनको पहले एडवाइस दिया गया था फॉर अबॉर्शन। मेरे पास बहुत पेरेंट्स आते हैं, मेरे पास बहुत ऑनलाइन कंसल्टेशन आती हैं। मैं तब से मैंने डिसाइड किया कि मैं बार बार हर पेरेंट्स का वीडियो बनाऊंगा, हर पेरेंट्स के मुंह से यह कहवाऊंगा कि मेरे बच्चा ठीक हो जाएगा। ये मेरी कम से कम 5वीं या 6वीं वीडियो है इन लास्ट 1 मंथ। मैं हर बार यही देखो आपसे पेरेंट्स खुद बोल रहे हैं कि इनको भी एडवाइस किया गया था फॉर अबॉर्शन। सो क्लब फुट इज नॉट ए इंडिकेशन फॉर अबॉर्शन। बच्चा पूरी तरीके से ठीक हो जाता है, उस नन्ही सी जान को आने दीजिए, बच्चा ठीक होएगा। थोड़ा सा डिफिकल्टी रहती है शुरुआत में, बच्चा रोता भी है, प्लास्टर भी लगते हैं, ऑपरेशन भी होता है, सब कुछ ठीक है, लेकिन ऑपरेशन के नाम में छोटा सा चीरा लगता है, हार्डली 1 या 2 mm का चीरा लगता है, जिसे हम टेनोटमी बोलते हैं। वो अबॉर्शन वो बेसिकली एक तरीके से सर्जरी भी नहीं कह सकते उसको, बहुत छोटी सी टेनोटमी प्रोसीजर होता है, और नथिंग इज इम्पॉसिबल। अब बच्चा पूरी तरह सारी चीज एक्टिविटी करता है, सारी सब कुछ एक्टिविटी करता है, चलने फिरने में कोई दिक्कत नहीं है, स्टेयर्स भी अप एंड डाउन ऑटोमेटिकली अपने आप ही, बच्चा सीनियर उतर रहा है, चढ़ रहा है, ही इज जस्ट 2 इयर्स, 2 साल का है बच्चा। सो आई थिंक दिस इज अ गुड मैसेज फॉर माई पेरेंट्स, टू द पेरेंट्स, कि नथिंग इज इम्पॉसिबल, जस्ट बी पॉजिटिव एंड डोंट थिंक अबाउट द अबॉर्शन।